हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी पे। हम शंकर आईएएस एनवायरनमेंट सीरीज को कर रहे थे और उसे आज के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट सेशन में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कंप्लीट कर दिया था, जो चैप्टर 15 था, सिक्स्थ एडिशन के अकॉर्डिंग चैप्टर 15 को हम लोगों ने कवर कर दिया था। उससे पहले जो लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूज रेफरल कोड रैंक10 टू गेट 10% डिस्काउंट। इस रेफरल कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी डाउट आप लोगों का प्लस के से तैयारी होगी, इस पे क्या क्या इसकी फीचर्स है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि प्लस काम कैसे करता है और कैसे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। देखिए, आप लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग 2 साल का कोर्स लें, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आप लोगों को पड़ेगा। पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, वीकली टेस्ट भी आप लोगों के होंगे। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है उस टॉपिक से रिलेटेड वीकली टेस्ट होगा, और जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो एक लेंथी मॉक टेस्ट होता है। फिर डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों को मिलेंगे, ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है तैयारी में, सीसैट भी कवर्ड है। इसका मतलब साथ के साथ आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही लेवल की एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयारी हो जाएगी। घर से निकलने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी हो कैसे भी हो, आप लोग अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। रैंक10 रेफरल कोड को यूज करके 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और आसानी से तैयारी की जा सकती है। और साथ में इस रेफरल कोड को यूज करने का क्या फायदा है, आप लोगों को ईपीडीएफ मिलेगी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनकी, और साथ में आपको आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस के अंडर काम करने का मौका मिलेगा, तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो ये हम लोगों ने प्लस के बारे में जाना। कल के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल के सेशन में हम लोग ने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को समझा था, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या डिफरेंस है वो जाना था, सेटलमेंट्स कैसे होती है राइट्स के, जितने भी लोग वहाँ के एरिया के अंदर प्रभावित होते हैं उनके राइट्स को वो कैसे क्लेम करते हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया है जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे कौन लोग एंट्री ले सकते हैं और कैसे उन्हें एंट्री मिलेगी, किसके हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, कम्युनिटी रिजर्व क्या है, ये समझा था। फिर हमने मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में जाना था, उसके डिफरेंट कैटेगराइजेशन हमने देखा था 1, 2, 3 एंड 3B। उसके बाद हम लोगों ने सेक्रेड ग्रुव्स के बारे में समझा था, जो रिलीजियसली एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जाना था, कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनका एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड है। फिर हम लोगों ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को समझा था और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व का क्लासिफिकेशन, उसका डेजिग्नेशन समझा था, और फिर उसके बाद हमने हॉटस्पॉट और हॉटेस्ट और कोल्ड हॉटस्पॉट के बारे में समझा था। ये चीज़ें हम लोगों ने कल के चैप्टर में डिस्कस किया था, कल के सेशन में। आज का जो चैप्टर है दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुक, बिल्कुल लास्ट चैप्टर होगा ये पार्ट सेकंड का, और आज पार्ट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद यही है। कंजर्वेशन एफर्ट्स चैप्टर का नाम है, और इसके अंदर हम लोगों को ये पढ़ना है कि इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज अपने डोमेस्टिक लेवल पे ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स किए हैं जिससे जो भी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रोटेक्टेड एरिया, कोई भी ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एरिया है, उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो स्पीसीज स्पेसिफिक काम कौन कौन से इंडियन गवर्नमेंट ने किए हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं, हम उन चीजों को इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत पुराना है, आप लोगों को पता भी होगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ये अनाउंस हुआ था और 73-74 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसका मकसद क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, टाइगर्स को कंजर्व करना, क्योंकि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से गिर गई थी। तो इसके अंदर इन चीज़ों का एनालिसिस किया गया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइगर्स को प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो टाइगर्स की डेथ का या टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लिनेशन का कॉज बन रहे हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यही मकसद है। द प्रोजेक्ट का एम क्या है, देखो यहाँ पे देखिए, द प्रोजेक्ट एम्स एट टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर को कंजर्व करना है, टाइगर रिजर्व्स बनाने हैं, ये वो एरियाज होंगे जहाँ पे पर्टिकुलर टाइगर्स पे फोकस किया जाएगा, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स बनाने होंगे जिसके अंदर टाइगर्स कंप्लीटली सेफ रहेंगे। इसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो टाइगर्स की पॉपुलेशन के लिए कुछ बीच में बाधा बने हुए हैं, जो टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं होने दे रहे, ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स को पहचानना और उन फैक्टर्स को पहचान के उनको मिटिगेट करना, मतलब कुछ रेमेडीज सुझाना कि ये काम इस वजह से खराब हो रहा है और हमें ऐसे इसको करना चाहिए, जो भी डैमेजेस हो रहे हैं उन डैमेजेस को रेक्टिफाई करना, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को सुधारना और रिकवरी लेके आना टाइगर्स की पॉपुलेशन में।
इसका एम और क्या है, टाइगर रिजर्व्स बनाना, टाइगर कंजर्वेशन के लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज बनाना जिन्हें टाइगर रिजर्व कहा गया है, ठीक है, जिससे टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, वायबल रहे। तो ये इसके गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट टाइगर के। अब जो देखो, जो टाइगर रिजर्व होता है, जैसे हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर उसका क्लासिफिकेशन यानी उसका डिजाइन समझा था, ऐसे ही टाइगर रिजर्व का क्या डिजाइन होता है इसके अंदर, जैसे उसके अंदर क्या था, एक कोर एरिया था, फिर बफर एरिया था, और फिर पेरिफेरल बाउंड्री थी, किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में। इसी तरीके से टाइगर रिजर्व में क्या होता है, एक कोर एरिया होता है, ये वो एरिया है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, पर्टिकुलर टाइगर्स के लिए ये बिल्कुल सेफ हेवन माना जाता है, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, ये बफर जोन है। इस बफर जोन में आप देख रहे हो एम का मतलब, यहाँ पे देख लीजिए, यानी माइनिंग्स भी हो रही है, कॉफी या टी स्टेट्स भी हैं, विलेजेस भी हैं, इंडस्ट्री भी है, फॉरेस्ट लैंड भी है, प्राइवेट लैंड भी है, बफर एरिया, कोर एरिया, ये सारा कलर कोडिंग आप लोगों को यहाँ समझाया हुआ है। तो कोर एरिया तो वो है जहाँ पे टाइगर्स ही रहेंगे और ह्यूमन एक्टिविटी बाधित है, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। और जो बफर एरिया है वहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, लेकिन कब तक, जब तक कोर एरिया को हार्म नहीं पहुंचा रही है। इन केस अगर इनमें से कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कोर एरिया को प्रदूषित कर रही है, कोर एरिया को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहां के जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो उन एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप कोर एरिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ये एक्टिविटी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो ये कोर एरिया और हमने बफर जोन के बारे में समझा, इसमें यही बात कही हुई है कि कोर जोन क्या है हम समझ चुके हैं। ये जो की पॉइंट है ये याद रखना, जो कोर जोन है इसको नोटिफाई कौन करेगा, इसे नोटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किसके साथ कंसल्ट करके, एक्सपर्ट कमेटी के साथ कंसल्ट करके। मतलब जो टाइगर स्पेसिफिक ऑफिसर्स हैं, जिनको पूरा ज्ञान है कि कैसे टाइगर्स को कंजर्व किया जाएगा, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट उन एक्सपर्ट कमेटी के साथ कंसल्ट करके नोटिफाई कर देगी कि ये कोर जोन है, इतना एरिया कोर जोन है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। फिर बफर जोन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें क्या देखना है, द लिमिट्स ऑफ सच एरिया डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो, ग्राम सभा और एक्सपर्ट कमेटी, ग्राम सभा और एक्सपर्ट कमेटी मिलके ये कंसल्ट करेगी कि कितना एरिया बफर जोन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है विलेज की कम्युनिटी के आसपास ये फॉरेस्ट वगैरह होंगे, आसपास कोई ऐसे विलेज कम्युनिटी रहती होगी, तो इस विलेज कम्युनिटी की ग्राम सभा और प्लस एक्सपर्ट कमेटी आपस में कंसल्ट करके बफर जोन का एरिया सीमित करेंगी। और अगर बफर जोन का या कोर जोन का कोई भी बाउंड्री ऑल्टर करनी है, किसी भी बाउंड्री के अंदर चेंज लाना है, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, रिकमेंड करेंगे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड अप्रूव करेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देखिए, अगर बाउंड्री के अंदर चेंज करना है कि इतना एरिया नहीं, इतना एरिया हम लोगों को तो बफर जोन चाहिए, तो जो बाउंड्री के अंदर अल्टरनेशन होगा, जो बाउंड्री के अंदर बदलाव होगा, वो कौन बताएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिकमेंड करेगी कि इतना एरिया बढ़ा दो बफर जोन के लिए या इतना एरिया कम कर दो, और उस चीज को अप्रूव करेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये पॉइंट्स प्री के अंदर बनते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि बफर जोन में ग्राम सभा का काम होता है, तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि ग्राम सभा का तो कोई रोल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे ग्राम सभा से कंसल्ट किया जाता है, एक्सपर्ट कमेटी और ग्राम सभा दोनों कंसल्ट करके काम करते हैं, और कोई बाउंड्री ऑल्टर करनी है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और अप्रूवल देगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में अगर हम समझें, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। स्टैट्यूटरी बॉडी है मतलब एक्ट से बनी है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर ये बॉडी आती है। इसका मकसद क्या है, इसने एडमिनिस्टर किया है प्रोजेक्ट टाइगर को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है NTCA, इसने एडमिनिस्टर किया है प्रोजेक्ट टाइगर को, सारे प्रोजेक्ट टाइगर का काम ये NTCA देखता है। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एक फील्ड डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, हु इज असिस्टेड बाय द फील्ड एंड टेक्निकल पर्सन। मतलब एक फील्ड, ये पर्टिकुलर एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इस टाइगर रिजर्व के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जिसे कहेंगे फील्ड डायरेक्टर, और इस डायरेक्टर को बहुत सारे टेक्निकल और बहुत सारे पर्सनल असिस्टेंस दिए जाएंगे ताकि वो फुल फ्लेज्ड डायरेक्टर की तरह काम कर सके और आसानी से टाइगर को कंजर्व कर सके। पूरी एक टीम बना दी जाएगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। क्या क्या इसके पावर या फंक्शन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के कौन कौन से पावर और फंक्शन है ये समझ रहे हैं। ये अप्रूव करता है टाइगर कंजर्वेशन प्लान को, अभी मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी,
ठीक है, और अप्रूव करेगा स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी प्लान तैयार किया है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, उसे अप्रूवल देगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये बहुत सारे ऐसी एरियाज को, ऐसी एक्टिविटी को डिसअलाउ कर देता है जो कोर जोन को, कोर एरिया को प्रदूषित कर रही है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री, इनको बैन कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है कि आप टाइगर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन एक्टिविटीज को बैन करो। ये नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करता है, गाइडलाइंस तैयार करता है, टूरिज्म एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है उनकी गाइडलाइंस, के ये टूरिस्ट तो अंदर जा सकते हैं, ये टूरिस्ट नहीं जा सकते हैं, ये एक्टिविटी अंदर हो सकती है, ये एक्टिविटी नहीं हो सकती है, तो गाइडलाइंस तैयार करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन देता है प्रोटेक्शन मेजर का, कि कौन कौन से हमें मेजर लेने चाहिए टाइगर्स को और उनके प्रे को, यानी उनके शिकार को बचाने के लिए, क्योंकि टाइगर्स तभी तो जिंदा रहेंगे अगर उनके प्रे जिंदा रहेंगे। जिसको खा रहे हैं टाइगर्स, अगर वो ही जिंदा नहीं रहेगा तो टाइगर्स की डेथ हो जाएगी। तो इसका काम क्या है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, टाइगर्स को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, साथ में उसके प्रे की सर्विलियंस भी करना है और प्रे को भी बचाना है ताकि टाइगर्स आसानी से फीड कर सके। तो ये पावर्स और फंक्शन हम लोगों ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पढ़े। इसके बाद ये क्या करता है, टू इंश्योर दैट टाइगर रिजर्व्स एंड एरिया लिंकिंग ऑन प्रोटेक्टेड एरिया और टाइगर रिजर्व विद अनदर प्रोटेक्टेड एरिया। ये यूं कह रहा है कि ऐसा इंश्योर करता है, ऐसी इंश्योरिटी देता है कि कोई भी टाइगर रिजर्व है वो किसी दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया से अगर लिंक कर दिया जाए तो कितना तो सस्टेनेबल वो काम रहेगा और कितना अनसस्टेनेबल वो काम रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन इनिशिएटिव लेके आता है, इको डेवलपमेंट एंड पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों को अवेयर किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा कि आप लोग सहयोग दें टाइगर को कंजर्व करने में, अपना पार्टिसिपेशन, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन बढ़ाइए आप लोग टाइगर्स को कंजर्व करने में। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, अप्रूवल देता है जो भी प्लान स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया है, बहुत सारी एक्टिविटी को डिसअलाउ कर सकता है जो भी कोर जोन को नुकसान पहुंचा रहा है, टूरिस्ट एक्टिविटीज की गाइडलाइंस प्रिपेयर करता है, उनके प्रे हैबिटेट्स को और उनके पॉपुलेशन को कंजर्व करने का काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे इंटरलिंकिंग पे ध्यान देता है, प्रोटेक्टेड एरिया के इंटरलिंकिंग पे ध्यान देता है जो इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबल है, उन्हें बैन कर देगा, और साथ में पीपल की पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है, अवेयरनेस बढ़ाता है टाइगर्स कंजर्वेशन को लेके। ये काम थे किसके, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है ये समझा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है वो समझा है, टाइगर रिजर्व का डिजाइन क्या है अभी तक हमने वो समझा है। अब हम देखते हैं कि जो टाइगर का सेंसस होता है वो किस तरीके से टाइगर पॉपुलेशन को काउंट करता है। नंबर ऑफ टाइगर्स का एस्टिमेशन लगाना टाइगर सेंसस कहलाता है। देखो, नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं उनका एस्टिमेशन लगाना टाइगर सेंसस कहलाता है। कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके टाइगर्स को गिना जा सकता है, टाइगर्स की काउंटिंग हो सकती है। पहला है पगमार्क सेंसस, दूसरा है कैमरा ट्रैपिंग और तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पगमार्क सेंसस, कैमरा ट्रैपिंग और तीसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कैमरा ट्रैपिंग में क्या होता है, फोटोग्राफ ली जाती है टाइगर्स की और हर टाइगर की जो फोटो है वो अलग होगी बेस्ड ऑन देयर स्ट्राइप्स, उनके ऊपर जो लाइंस बनी होती है जिन्हें स्ट्राइप्स कहा जाता है। जैसे हम लोगों का जो फिंगरप्रिंट है, जो हम लोगों का फिंगरप्रिंट है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होगा, इसी तरह एवरी टाइगर की जो स्ट्राइप्स है, जो स्ट्रिप्स है, वो बिल्कुल अलग होती है, जिसके बेस पे टाइगर्स की काउंटिंग हो सकती है कि ये स्ट्राइप अलग है, ये अलग टाइगर है, दूसरे वाले की स्ट्राइप अलग है, वो दूसरा टाइगर है। और वहां पे कैमरा फिट कर दिया जाता है, अब तो जीपीएस सिस्टम भी फिट कर दिए गए हैं फॉरेस्ट के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर, टू काउंट द टाइगर्स। और लेटेस्ट टेक्निक जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की है, जिसके अंदर उनके स्कैट्स यानी उनके वेस्ट को देखा जाता है कि कौन सा टाइगर, कितने टाइगर है। यहाँ पे आप देखिए, पगमार्क की अगर हमने बात की थी, मेल और फीमेल का पगमार्क अलग होगा। पगमार्क क्या है, ये उनके पाँव के निशान, उनके पंजों के निशान। ठीक है, मेल का जो होगा, मेल का पगमार्क बिग होगा और ज्यादा स्पेस के अंदर आया है। फीमेल का जो, फीमेल टाइगर मतलब जो टाइग्रेस होगी, उसका जो पगमार्क होगा वो कम एरिया के अंदर होता है, भीड़ा होता है, नैरो होता है, ठीक है, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये आप स्ट्राइप्स देख रहे हैं जो कैमरा के अंदर ट्रैप किया जाता है, और ये आप उनका वेस्ट देख रहे हैं जिसको स्कैट्स कहा गया है, टाइगर स्कैट्स, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करके टाइगर की काउंटिंग की जाती है। ये तीन मेथड जनरली यूज हो रहे हैं टाइगर को काउंट करने के। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि टाइगर रिजर्व में सेंसस कैसे होता है, टाइगर को कंजर्व कैसे किया जा रहा है, यहां तक समझ आई सारी बातें।
जो भी वीडियोस किसी को नहीं मिल रही है, सारी वीडियोस एडिड है प्लेलिस्ट में। इसी चैनल की आप प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे, रिंग सिक्योर चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, और वहां पे आप लोगों को इकोनॉमी की अलग प्लेलिस्ट मिली हुई है जिसमें 28 लेक्चर्स हैं, और इसी तरह 17, 18 या 19 लेक्चर जो है हम आज कर रहे हैं एनवायरमेंट का। प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ है, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फटाफट से नाम बता दीजिए, कौन कौन सी तीन टेक्निक यूज की है टाइगर को काउंट करने में। फटाफट से बता दीजिए कौन सी तीन टेक्निक यूज की है टाइगर्स को काउंट करने में, जल्दी से बताइए कौन सी तीन टेक्निक यूज हुई है टाइगर को काउंट करने में, टाइगर सेंसस में। नेम द टेक्निक्स, स्ट्रिप मार्क्स, गुड, पग मार्क, ठीक है, पग मार्क और कैमरा ट्रैप, ठीक है जी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2010 का जो असेसमेंट मेथोडोलॉजी है, पहले अलग तरीके से मेथड यूज होता था, पहले सिर्फ पगमार्क को देखा जाता था। अब पगमार्क देखो क्या होता था, इसे डबल काउंटिंग भी हो जाती थी। अब कोई भी मेल टाइगर अगर है, सभी के पगमार्क सेम होंगे, कोई फीमेल टाइगर है, सभी के पगमार्क सेम होंगे, तो उससे ना सिर्फ एस्टिमेशन लगता था, एक्यूरेसी नहीं पता लगती थी। फिर उसके बाद ये कुछ नए तरीके ढूंढे गए कि कैसे टाइगर्स को काउंट किया जाएगा 2010 से। 2006 से क्या होता था, हर 4 साल के बाद टाइगर की काउंटिंग होती थी, ठीक है। अब इसके आगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, 2010 का समय आया और बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस से टाइगर्स की काउंटिंग की जाने लगी। 3 फेजेस के अंदर टाइगर का एस्टिमेशन लगता है। फेज 1 में क्या होगा, फील्ड डाटा कलेक्ट किया जाएगा बीट लेवल पे, यानी बेस लेवल पे फील्ड का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। मतलब एक बेसिक सा आइडिया ले लिया जाएगा पूरे फील्ड में कि नंबर ऑफ टाइगर्स अप्रोक्सीमेटली इतने हैं वहां पे, ठीक है। फिर फेज 2 में क्या होगा, उनके हैबिटेट स्टेटस को देखा जाएगा कि इनका जंगल कैसा है। मान लीजिए कहीं पे ये 2 फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर ऐसा है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, इस फॉरेस्ट में टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई है। अब इस सेकेंड फेज में क्या होगा, इन दोनों फॉरेस्ट में बहुत बारीकी से ये देखा जाएगा कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है कि यहाँ तो एरिया डिक्लाइन हुआ है, टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है और यहाँ पे डिक्लाइन नहीं हुआ है। मतलब उनके हैबिटेट को, उनकी रहने की जगह को चेक किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। और तीसरा फेज के अंदर कैमरा ट्रैपिंग होगी, प्राइमरी मेथड यूज किया जाएगा, कैमरा ट्रैपिंग होगी कि कितने कितने टाइगर्स इस फॉरेस्ट के अंदर है, टाइगर रिजर्व के अंदर है। सबसे पहले फील्ड का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद हैबिटेट स्टेटस को देखा जाएगा और उसके बाद वहां पे कैमरा ट्रैपिंग होगी, किसकी, टाइगर्स की कैमरा ट्रैपिंग होगी। ये 3 फेज के अंदर असेसमेंट मेथोडोलॉजी काम करती है। अब 2010 से बहुत सारी इनोवेशन आई, कौन कौन से न्यू इनोवेशन नेशनल टाइगर असेसमेंट के अंदर आई है। पार्टनरशिप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का भी लिया जाने लगा, पहले नहीं लिया जाता था, सिर्फ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सारा काम कर रही थी, लेकिन अब इनोवेट करके क्या कर दिया, पार्टनरशिप ली जाने लगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से। लोकल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होने लगी डाटा कलेक्शन और एनालिसिस में, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया, क्योंकि इसका काम क्या था, अवेयर करना सबको कि देखो टाइगर को बचाना पड़ेगा नहीं तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाएगा। अवेयर किया जा रहा है जिससे लोकल कम्युनिटी खुद वॉलंटरली पार्टिसिपेट करने लगी है, जेनेटिक एनालिसिस करने लग पड़े हैं। इसमें क्या होने लगा है, मतलब कि जो जेनेटिक एनालिसिस यानी जीन्स का एनालाइज करने किया जाने लगा है, उनके फिकल सैंपल से, उनके वेस्ट सैंपल को एनालाइज किया जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा था ना थर्ड मेथड के अंदर टाइगर्स का स्कैट्स यूज किया जा रहा है, उनका फिकल, उनका एक्सक्रीटा, उसको चेक किया जा रहा है, उनका डीएनए एनालिसिस हो रहा है। तो जेनेटिक जीन्स एनालिसिस किया जाता है उनके फिकल सैंपल से, अलोंग विद टाइगर्स उनके को प्रेडेटर्स को भी देखा जाता है, उनके प्रे हैबिटेट्स को भी देखा जाता है, उनके जिनको वो खाते हैं उनका भी एनालाइज किया जाने लगा, पहला नहीं होता था। पायोनियरिंग अटेम्प्ट टू एस्टिमेट टाइगर पॉपुलेशन इन सुंदरबन टाइगर रिजर्व यूजिंग सैटेलाइट टेलीमेट्री एंड साइंस सर्वे। वेस्ट बंगाल सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर क्या हुआ, सैटेलाइट का यूज करके और उनके साइंस का सर्वे करके टाइगर का एस्टिमेशन किया जाने लगा। जो सबसे पहला एस्टिमेशन किया गया था वो सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पहले टाइगर का एस्टिमेशन किया गया था यूजिंग सैटेलाइट। वैसे सबसे पहले जो टाइगर का सेंसस हुआ था ना, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, जिसको हेले नेशनल पार्क भी कहते हैं, सबसे पहला टाइगर सेंसस वहां पे हुआ था। लेकिन सैटेलाइट का यूज करके सबसे पहला जो टाइगर सेंसस हुआ है, दैट वाज इन सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। ये कुछ इनोवेशन आए 2010 के नेशनल टाइगर असेसमेंट से। अब इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कॉपरेशन हो रहा है,
इंडिया ने मेमोरेंडम साइन किया है नेपाल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि आपको पता है इंडिया और नेपाल की बाउंड्री मिल रही है, हमारा हमारी नेबरिंग कंट्री है। क्या मेमोरेंडम साइन किया है कि ट्रांस बाउंड्री का जो इलीगल ट्रेड है उसको रोकेंगे। नेपाल और इंडिया दोनों मिलके कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाएगी कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री, मतलब ट्रांस बाउंड्री टाइगर्स का इलीगल ट्रेड ना हो सके, ठीक है। साथ में चाइना के साथ भी इन लोगों ने, इंडिया नेपाल और चाइना तीनों मिलके ये काम देखेंगे। द प्रोसेस इज फॉर बायलेटरल प्रोटोकॉल विद बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार। सेम प्रोसेस फॉलो की है इंडिया ने बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ कि इलीगल ट्रेड को रोकना है। एक ग्लोबल टाइगर फोरम बनाई गई है, जैसे हम लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा था जॉइंट लेंडर फोरम, जिसके अंदर क्या था, जितने भी बैंक ऐसे हैं जिसको एक ही इंसान ने चपत लगाई है, ए पर्सन ने, इस बैंक से भी लोन लेके चला गया, इस बैंक से भी लोन लेके चला गया, इस बैंक से भी लोन लेके चला गया, इन तीनों ने एक फोरम बना लिया। सेम चीज ग्लोबल टाइगर फोरम के अंदर क्या है, टाइगर रेंज की जो कंट्रीज हैं, जैसे मान लीजिए एक कंट्री ये है, दूसरी कंट्री ये है, तीसरी कंट्री ये है, तीनों ही कंट्री के अंदर टाइगर रेंज अच्छी है, तो तीनों ने मिलके एक ग्लोबल टाइगर फोरम बना लिया कि हम जो काम करेंगे तीनों मिलके करेंगे और टाइगर को कंजर्व करेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट्स हुए कि इलीगल ट्रेडिंग को रोकेंगे, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया म्यांमार, और साथ में ग्लोबल टाइगर फोरम्स बनाए गए जो टाइगर रेंज को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, जो न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन अडॉप्टेड बाय द थर्ड एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देखो ये तीसरी थी, उससे पहले थाईलैंड में हो चुकी थी और एक जगह और हो चुकी थी एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इस एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे क्या अडॉप्ट किया गया, न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन। इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के तीन फीचर थे, क्या क्या, कि टाइगर्स की रिकवरी करनी है यूजिंग 3R। कौन कौन से 3R, रिस्टोर करना है उन्हें, उन्हें रीइंट्रोड्यूस करना है, उन्हें रिहैबिलिटेट करना है, रिस्टोर करना है यानी उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है, रीइंट्रोड्यूस करना है मींस एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे सेफ एरिया है उन लोगों के लिए, जहाँ पे बिल्कुल सूटेबल कंडीशन है वहाँ पे रीइंट्रोडक्शन करो टाइगर्स की और उनको रीहैबिलिटेट करो। इन 3R का यूज करके टाइगर्स की रिकवरी की जाएगी। और क्या किया जाएगा, इस दिल्ली डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग यानी थर्ड एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करो, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करो। ये किसके अंडर कहा गया, थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर कहा गया, और इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंडर दिल्ली का एक डिक्लेरेशन साइन होता है, उस डिक्लेरेशन में ये ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को एक्सेलरेट इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। इस ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में क्या होता है, ये हैबिटेट इंप्रूवमेंट पे ध्यान देती है, एंटी पोचिंग सर्वेलियंस करती है कि कौन कौन से ऐसे कारण है पोचिंग हो रही है जहां पे, उनको सर्वे किया जाता है, टाइगर कंजर्वेशन को इंश्योर किया जाता है यूजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, प्रमोट किया जाता है टाइगर हैबिटेट्स को, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है और क्लाइमेट चेंज को प्रमोट किया जाता है, एड्रेस किया जाता है कि ऐसे कौन कौन से क्लाइमेटिक चेंज के फैक्टर हैं जो टाइगर्स को हार्म कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्री में इस पे क्वेश्चन बना हुआ है कि ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम क्या है, इसको कब अडॉप्ट किया गया, थर्ड एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया, मकसद क्या है, एंटी पोचिंग सर्वेलियंस, पार्टिसिपेशन लोकल लेवल पे, इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना और वाइल्ड लाइफ क्राइम को कॉम्बैट करना, वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ना, ये सारे काम, ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है वो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम से रिलेटेड है। ये थर्ड कॉन्क्लेव था, थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, पहले कहाँ कहाँ हुई है, थाईलैंड में हुई है और भूटान यानी थिम्पू के अंदर हुई है, और थर्ड जो है वो दिल्ली के अंदर हुई है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जो जो रिकमेंड किया गया थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पे वो हमने समझा है। इसके बाद टाइगर्स के बारे में बातें हो चुकी है, ठीक है, अब हम एलिफेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, लोकल कम्युनिटी मींस, हाँ जी बिल्कुल, अस्थानीय विलेजर्स, मतलब जो आसपास के जितने भी लोग हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई विलेज पड़ता है टाइगर रिजर्व के आसपास, तो उन विलेजर्स को कहा जाएगा कि कोई टाइगर्स वगैरह दिखे तो उन्हें हार्म मत पहुंचाए, बल्कि हम लोगों को आके ये चीज बताई जाए कि हमें टाइगर्स मिला है, हमें टाइगर देखने को मिला है, तो ताकि हम लोग उनको सेफ हैबिटेट के अंदर डाल सके, ठीक है। तो इस तरीके से लोकल कम्युनिटी का साथ मांगा जाता है, क्लियर। पहली दो मिनिस्ट्रियल, एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तीसरी दिल्ली में हुई है, पहली दो कहाँ हुई है, क्विक आंसर दीजिए। पहली दो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, फिर हम एलिफेंट्स की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है, पहली दो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? थर्ड तो दिल्ली में हुई है, जिसके अंदर रिकवरी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की बात की हुई है। पहली दो कहाँ हुई है? थाईलैंड एंड थिम्पू। थाईलैंड एंड थिम्पू, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की तरफ। टाइगर्स को रिजर्व कर लिया, अब हम एलिफेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, एलिफेंट लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल है, याद रखे, मैमल कैटेगरी में आता है और लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल है। टाइगर्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, टाइगर्स को खाने के लिए बहुत ज़्यादा फूड चाहिए होता है, तो वो जिस जगह रह रहे होते हैं वहाँ पे इनफ फूड उन लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो बाहर एरिया के अंदर निकल जाते हैं अपने फूड को ढूंढने के लिए, और जिसकी वजह से एनिमल मतलब एलिफेंट का और मैन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, और मैन जो है एलिफेंट्स को हार्म कर देते हैं, या कभी कभी एलिफेंट्स इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो मैन को हार्म कर रहा है, यानी मैन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एलिफेंट की है उसका फूड, क्योंकि पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा फूड चाहिए, ऑप्टिमल कंडीशंस चाहिए उसको फूड के लिए, वाटर के लिए, जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट से बाहर निकल जाता है और मैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो मेन मकसद यही है कि मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट का सर्वे करना, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हम लें कि मैन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट में यही चीज़ें बताई हुई है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ है वाइल्ड एलिफेंट? नॉर्थ ईस्ट में, इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट बंगाल, सेंट्रल इंडिया स्टेट ऑफ उड़ीसा, साउथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और उत्तराखंड, यूपी, यहाँ पे मेनली वाइल्ड एलिफेंट्स देखे जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ है 1992 में। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ है? जल्दी से बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ है? अभी देखा था हमने, टाइप कीजिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ 1992 में, 1973-74। यस, गुड अभिषेक, 1973-74 ये 1992 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर्ड, दो नाम सुनते हैं हम। स्पॉन्सर्ड में क्या होता है? आधा पैसा, 60-40 का जनरली रेशो होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक रेशो में फाइनेंशियल असिस्टेंस का यूज करेंगी। सेंट्रल सेक्टर्ड क्या होता है? 100% यानी 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने फाइनेंस को यूज करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगी। याद रखना, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्री में ऐसे ही स्टेटमेंट बन जाती है कि इट इज सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, वहां ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मकसद क्या है? फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स को इंश्योर करना कि वो आसानी से आजादी से घूम सके और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना। कौन कौन से प्रोजेक्ट है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 13 स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है, ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट नहीं हुआ है? और ऑब्वियस है, ऑल ओवर इंडिया थोड़े ना एलिफेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जनरली इन 13 स्टेट्स के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और स्मॉल सपोर्ट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर भी मिली है, कुछ कुछ सपोर्ट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी मिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनके हैबिटेट और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के इशू को एड्रेस करना और वेलफेयर करना डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स का। जितने भी डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स हैं, कुछ एलिफेंट्स डोमेस्टिकेटेड कर लिए जाते हैं, पालतू होते हैं, उनका वेलफेयर करना, ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट एलिफेंट के। एम क्या है? इकोलॉजिकल रिस्टोरिंग द नेचुरल हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स को रिस्टोर करना, जहाँ पे एलिफेंट्स रह रहे हैं उनके लिए उन हैबिटेट्स को, उन प्लेस को सूटेबल बना देना और माइग्रेटरी रूट्स को सुटेबल, जिस कॉरिडोर के अंदर, जिस एरिया के अंदर एलिफेंट्स जो हैं वो घूम रहे हैं, उस कॉरिडोर को, उस स्थान को सुटेबल बना देना। मिटिगेट करना, किन चीज़ों को मिटिगेट करना? जो भी मैन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं उनको मिटिगेट करना, उनको कम करना, उनके लिए रेमेडी सुलझाना। डेवलप करना साइंटिफिक और प्लान्ड मैनेजमेंट को, साइंटिफिक और प्लानिंग के अकॉर्डिंग लॉजिकल रीजनिंग का यूज करके एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिंग एलिफेंट्स, पोचिंग से उसको प्रोटेक्ट करना। आपको पता है हाथी के जो दांत है, आइवरी ट्रेड होता है उनका,
ठीक है, आइवरी क्या कहते हैं, हाथी के जो दांत है उनकी इलीगल ट्रेडिंग को रोकना यानी पोचिंग से बचाना, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना उनको, रिसर्च करना कौन कौन से ऐसे इशू हैं जो एलिफेंट को हार्म करते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सभी में आएंगे, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, इको डेवलपमेंट करना, और वेटरनरी केयर देना एलिफेंट्स को। आपको पता होगा एक एलिफेंट का जुम्बो हॉस्पिटल बना है, एलिफेंट का जुम्बो हॉस्पिटल बना है, क्या किसी को पता है ये हॉस्पिटल कहाँ बना है, क्या किसी को पता है ये हॉस्पिटल कहाँ बना है, कौन से स्टेट में बना है जुम्बो हॉस्पिटल? इट इज फॉर स्पेशली फॉर एलिफेंट्स, स्पेशली फॉर एलिफेंट्स, वहां पे उनको हर तरीके का वेटरिनरी अरेंजमेंट दिया जाएगा। किसी को पता है तो बताइए जुम्बो हॉस्पिटल कौन से स्टेट में बना है? मथुरा, वेरी नाइस, यूपी, वेरी गुड, मथुरा सिटी और यूपी, बिल्कुल सही, जुम्बो हॉस्पिटल बना है। तो इस तरीके के ये सारे प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर वेटरिनरी केयर दी जा रही है, ठीक है। तो ये सब काम एम है प्रोजेक्ट एलिफेंट का, रिस्टोर करना उनके हैबिटेट को, मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट्स को इशू करना, उन इश्यूज को एड्रेस करना, साइंटिफिक अवेयरनेस इंप्रूव करनी लोगों में, उन लोगों की इलीगल ट्रेडिंग बचानी, लोगों को अवेयर करना और वेटरिनरी केयर देना, ये एम है। एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है, आप ये देखिए, यहाँ पे एलिफेंट का हैबिटेट था लेकिन कुछ फूड की रिक्वायरमेंट के लिए इन एलिफेंट्स को दूसरी जगह पे भी जाना पड़ रहा है, किसी दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जाना पड़ रहा है। तो बीच में जो ये रास्ता बनाया है, बीच में जो ये रास्ता है, इसको एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाएगा, इसको एलिफेंट कॉरिडोर कहा जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कॉरिडोर किसे कहा जाता है, दोनों जगह कुछ है और बीच में जो स्पेस है उसे कॉरिडोर कहा जाता है, जबकि बालकनी किसे कहा जाता है, एक तरफ ही कुछ है, बाहर जो खाली स्पेस है उसे बालकनी कहा जा रहा है। कॉरिडोर दोनों तरफ कुछ चीजें हैं और बीच में जो एरिया है दैट इज कॉरिडोर। तो सेम चीज, यहाँ पे भी कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे भी कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, एक प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया को लिंक करने के लिए जो रास्ता है दैट इज एलिफेंट कॉरिडोर। इस एलिफेंट कॉरिडोर के अंदर एलिफेंट्स को बहुत हार्म होता है। मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, इनका एक्सीडेंट हो सकता है या कोई इनकी पोचिंग कर सकता है, तो इन कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एलिफेंट कॉरिडोर क्या है ये हमने देख लिया, 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर इंडिया के अंदर है, टोटल 88 में से 20 साउथ इंडिया में, 12 नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, 20 सेंट्रल इंडिया में, 14 नॉर्थ वेस्ट बंगाल में और 22 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, 88 टोटल एलिफेंट के कॉरिडोर हैं इंडिया में। थ्रेट क्या है एलिफेंट को, देखो अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, रोड का, रेलवे का, कहीं हॉलीडे रिजोर्ट है, तो वहाँ पे इन लोगों का हैबिटेट लॉस हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है इनके एरिया को, कोल माइनिंग या आयरन ओर से इनको नुकसान हो सकता है। आप देखेंगे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट है, बहुत ज़्यादा माइंस है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ एलिफेंट कॉरिडोर भी यहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है। कहाँ पे? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे पोचिंग की प्रॉब्लम भी जो है बहुत ज़्यादा है, जो ट्रांसबाउंड्री एरियाज है वहाँ पे पोचिंग प्रॉब्लम भी एलिफेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उनके आइवरी का ट्रेड, इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। एलिफेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रेजिंग ग्राउंड चाहिए, चरने के लिए, खाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने एरिया से बाहर निकल जाते हैं। उनका फूड हैबिटेट जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो ये कुछ थ्रेट्स हैं जो एलिफेंट्स को हार्म पहुँचाते हैं। माइंस, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल हमने ले लिया, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, पोचिंग और साथ में उसका फूड हैबिटेट, ये कुछ थ्रेट हैं एनिमल्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए। मिटिगेशन स्टेप, कौन कौन से काम ऐसे किए जा सकते हैं कि एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? फ्यूजन कॉरिडोर्स का फ्यूजन कर दो, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, जैसे ये कोई कॉरिडोर है, यहाँ पे एलिफेंट का हैबिटेट है, यहाँ पे एलिफेंट का हैबिटेट है, ठीक है, ये कोई कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर ही इंक्लूड कर दो, फ्यूज कर दो, ताकि जो भी इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे बैन है वो इलीगल एक्टिविटीज कॉरिडोर में भी बैन हो जाए और प्रोटेक्शन आसानी से हो सके। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज बना दिया जाए कॉरिडोर्स को, सिक्योर कर दिया जाए कॉरिडोर्स को, और लोगों को अवेयर किया जाए, लोकल कम्युनिटी को सेंसिटाइज किया जाए कि आप लोग बेवजह किसी भी एनिमल को नुकसान मत पहुंचाए और उनके जोन को सेफ रहने दे। ये मिटिगेशनल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब एलिफेंट्स को बचाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ माइक। माइक क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, माइक प्रोग्राम। ये मैंडेटेड बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रेजोल्यूशन ऑफ साइट्स। साइट्स एक ऐसा कन्वेंशन है जो इलीगल ट्रेडिंग, वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेडिंग को रोकता है।
ठीक है। तो इसी के ही अंडर माइक नाम का स्पेशली फॉर एलिफेंट की इलीगल ट्रेडिंग को रोकने के लिए माइक प्रोग्राम चलाया 2003 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेवजह इलीगल हंटिंग रोकना, बेवजह टू डिटरमाइन चेंज इन दीज ट्रेंड्स, इलीगल हंटिंग का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन इलीगल हंटिंग को बढ़ा रहे हैं, इन तीन चीजों को एनालाइज करना माइक प्रोग्राम के अंडर आता है। ये साइट्स के अंडर है माइक प्रोग्राम। साइट्स में तो क्या होता है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग जितनी भी है, ट्रैफिकिंग जितनी भी है, सबको रोकना, चाहे उसमें एलिफेंट है, चाहे उसमें ट्रेडर है, चाहे उसमें टाइगर्स है, चाहे उसमें वल्चर्स है, चाहे उसमें प्लांट्स है, लेकिन माइक इज स्पेशली फॉर एलिफेंट की इलीगल ट्रैफिकिंग को रोक रहा है, ठीक है। तो अब देखो एक और इनिशिएटिव चला एलिफेंट्स के लिए, हाथी मेरे साथी। मूवी भी देखी होगी आपने हाथी मेरे साथी। तो हाथी मेरे साथी जो कैंपेन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आता है और इसने पार्टनरशिप की है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज प्लस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर हाथी मेरे साथी कैंपेन को लॉन्च करते हैं। प्री में स्टेटमेंट्स कैसे बनेगी? दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ओनली, तो गलत हो जाएगा। इनका पार्टिसिपेशन भी है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। टू इम्प्रूव कंजर्वेशन एंड वेलफेयर प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिफेंट, इंडियन नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित इसको किया गया है। देखो इसको कंजर्व करने के लिए, ताकि लोग इसको नुकसान ना पहुंचाए और इसको हाईली प्रोटेक्ट किया जाए, इसको घोषित कर दिया है एलिफेंट को, इंडियाज नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित कर दिया है एलिफेंट को। ये कैंपेन लॉन्च हुआ था एलिफेंट एट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो दिल्ली के अंदर 2011 में हुई है। हाथी को लेके एक मीटिंग हुई है, एलिफेंट एट नाम की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, दिल्ली के अंदर हुई, वहां पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया हाथी मेरे साथी 2011 में, ठीक है। इस E8 एलिफेंट एट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है? इंडिया, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका और तंजानिया, थाईलैंड। ये 8 नेशन ऐसे हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और हाथी मेरे साथी प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। ये E8 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। E8 का मतलब है एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 8 कंट्रीज, ठीक है। दिस पब्लिक इनिशिएटिव वाज एम्ड एट इंक्रीजिंग अवेयरनेस। काम क्या है? अवेयरनेस इंक्रीज करना, फ्रेंडशिप डेवलप करना लोगों के बीच में और हाथी के बीच में, मतलब मैन और एनिमल के, एलिफेंट के ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना। कैंपेन एक और चला, सबसे पहला कैंपेन माइक पढ़ा है हमने, उसके बाद हम लोगों ने हाथी मेरे साथ ही इनिशिएटिव पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं गजू। गजू आपको पता होगा, गज, गज संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है एलिफेंट, मीन्स हाथी। तो उसी के ही टर्म पे ये गजू नाम का कैंपेन चला है। इसका नाम, इसका काम क्या है? इट फोकसेस ऑन वेरियस टारगेट ऑडियंस ग्रुप इंक्लूडिंग लोकल नियर एलिफेंट हैबिटेट्स, यूथ, पॉलिसी मेकर अमंग अदर्स। क्या मतलब है? ऑडियंस को टारगेट करेगा। कौन सी ऑडियंस को? यूथ को, यूथ को, और उनके अंदर अवेयरनेस जगाएगा, उन लोगों को अवेयर करेगा एलिफेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, और उन यूथ को मोटिवेट कर रहा है कि आप लोग ऐसी पॉलिसीज में बनाने में हमारी मदद कीजिए कि हम एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसका दूसरा मकसद क्या है इस कैंपेन का? टेक गजा टू प्रजा, टेक गजा टू प्रजा, प्रजा मतलब पीपल, जनता, और गजा का मतलब एलिफेंट्स, मतलब एलिफेंट्स को और प्रजा यानी पीपल को आपस में उनको हारमनी बनाना, लोगों में, प्रजा में अवेयरनेस प्रमोट करना, और जिसकी वजह से एनिमल का और मैन का कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो। तो कैंपेन गज के अंदर मेनली काम ये हो रहा है कि जितने भी लोकल लोग हैं, जितने भी यूथ हैं, उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाना, उनको ज़्यादा अवेयर करना, ताकि गज को नुकसान ना हो सके, हाथी को नुकसान ना हो सके, ठीक है। तो ये गज का कैंपेन था। अब हम E8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में बात करते हैं। हमने देखा था कि 8 नेशंस इसके अंदर आए थे और 2011 में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली इन 3 एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना था, एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे इस मीटिंग के अंदर? पॉलिसी मेकर्स, कंजर्वेशनिस्ट, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, आर्ट एंड कल्चर एक्सपर्ट, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग 8 देशों के पार्टिसिपेंट्स आए थे। किस किस चीज पे डिस्कशन हुआ था? वाइड रेंज ऑफ इशू, जितने भी इशूज हैं उन पे डिस्कशन हुआ था। कौन कौन से? कैसे साइंस का यूज करके कंजर्व करें, कैसे इनकी मैनेजमेंट करें, कैसे कंजर्वेशन करें, कैसे कल्चरल और एथिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कल्चरली भी हमें कंजर्व करना और एथिकल पर्सपेक्टिव को भी यूज करके हम लोगों को सारे इशूज को देखना है। ये सब बातों पर डिस्कशन हुआ था E8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। अभी लास्ट जो एलिफेंट से रिलेटेड है, E5050 फोरम। देखो पहले E5050 फोरम का मतलब क्या है। 50-50 क्या बताता है? 50 स्टेट्स का शेयर्ड करना है
50 स्टेट्स कुछ विजन रखेंगे एलिफेंट्स को लेके, उसके विजन को शेयर करना है अगले 50 सालों में. 50 स्टेट्स का जो भी आइडिया है एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने में, अगले 50 सालों तक उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि एलिफेंट प्रोटेक्ट रहे, ये 50-50 फोरम है. ठीक है, न्यू दिल्ली 2013 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए. मतलब क्या है समझ आ गया. ये एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा. एलिफेंट्स के बारे में कौन कौन से प्रोग्राम्स हमने पढ़े हैं नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए. कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एलिफेंट्स के लिए आए, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एलिफेंट्स के लिए आए हैं. पहला मैं बता दूं, माइक, बाकी आप बताइए. बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल फेंसिंग से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है. व्हाइट एलिफेंट एक बच गया है, एएसएम व्हाइट एलिफेंट एक बच गया है. दो बचे थे, एक की डेथ हो गई है, फीमेल व्हाइट एलिफेंट की डेथ हो गई है, अब एक बच गया है. ई 50-50 और हाथी मेरे साथी, गज और माइक, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है सभी ने, वेरी गुड. अब आगे देखते हैं हम लोग, वल्चर्स की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, वल्चर्स, गिद्ध जिसे कहते हैं हिंदी में, जो आपने रामायण में देखा होगा ना, जटायु, है ना, जटायु देखा होगा जो सीता माता के अटैक को बचाता है रावण जब उन्हें लेके जाता है, तो वो वल्चर है. वहां से रिलेट करना, इंडिया के अंदर 9 स्पीसीज है इन वल्चर्स के. जो नाम है ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये नाम है, 9 स्पीसीज मिलती है वल्चर की. सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सारे थ्रेटन्ड नहीं है, सारे वल्नरेबल नहीं है, कोई कोई है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है. टोटल 9 स्पीसीज वल्चर्स की आती है. इंडिया के अंदर मेनली ज्यादा पॉपुलेशन इन 3 की देखी जाती है, व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर. इन 3 की मेजर पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर. इनको थ्रेट क्या है, देखो जब भी इनको थ्रेट होता है ना, वल्चर्स को जब भी थ्रेट होता है, इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है. ये नेक ड्रूपिंग का एक सिम्टम देते हैं. नेक ड्रूपिंग आप देख रहे हैं इस तरीके की नेक, मतलब अपनी नेक इनकी झुक जाती है. ये नेक कब इनकी ड्रूप होती है, जब या तो ये बीमार हो, या तो ये बर्ड जो है वो इल हो यानी बीमार हो, या एक्सट्रीम हॉट कंडीशन के अंदर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बर्ड्स है वो नेक ड्रूपिंग कर लेते हैं. ये अपने थ्रेट को दिखाते हैं इस नेक ड्रूपिंग मैकेनिज्म के द्वारा. इनको सबसे ज्यादा जो हार्म हो रहा है ना, वो डाइक्लोफेनेक सोडियम से सबसे ज्यादा हार्म हो रहा है. ये क्या है, ये एक दवाई है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है. ये ड्रग किनको दिया जाता है, लाइव स्टॉक्स को दिया जाता है. लाइव स्टॉक्स को क्यों दिया जाता है, उनके पेन को रिड्यूस करने के लिए, उनकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए. अब किसी भी लाइव स्टॉक ने अगर इस ड्रग को फीड किया है, इस ड्रग को खाया है, और उस लाइव स्टॉक की डेथ होती है, अब गिद्ध का क्या काम है, जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे फीड करना. अब इनकी डेथ को, जब इनकी डेथ होती है, इनके ऊपर वल्चर्स फीड करते हैं, इनको डिकम्पोज करते हैं, इनको खाते हैं, और वो डाइक्लोफेनेक सोडियम वल्चर्स के अंदर चला जाता है. जो वल्चर्स इस डाइक्लोफेनेक सोडियम को ब्रेक नहीं कर पाते, जो अनेबल है इसको ब्रेक करने में, वो सफर करते हैं किडनी फेलियर. मतलब इनका जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वल्चर का, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इन वल्चर्स की डेथ देखी गई है. बहुत ज्यादा यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है इनके टिश्यू पे, और 85% ऑफ डेड वल्चर के अंदर सिर्फ यही वजह पाई है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम के अंदर उनकी डेथ हो रही है. तो इस डाइक्लोफेनेक सोडियम को बैन करने के लिए कहा है. वल्चर्स की जरूरत क्यों है, अगर वल्चर्स नहीं होंगे तो इन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को एनवायरमेंट से क्लीन कौन करेगा. तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है वल्चर्स की एनवायरमेंट को क्लीन करने में. तो बैन कर दिया गया है डाइक्लोफेनेक सोडियम, और इसका अल्टरनेटिव लेके आए हैं, जो ऐसा ड्रग है वल्चर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. समझ आ गया होगा आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्या है. ठीक है, मेलॉक्सिकल, अब डाइक्लोफेनेक की जगह मेलॉक्सिकल लेके आया गया है. ये सेकंड जनरेशन का एक ड्रग है जो लाइव स्ट्रोक के सेम पर्पज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है. इससे वल्चर्स की डेथ नहीं होगी, लेकिन बहुत मना करने के बाद भी डाइक्लोफेनेक सोडियम अब भी बहुत सारी जगह यूज हो रहा है, और वल्चर्स की डेथ इसकी वजह से हो रही है. क्या काम आते हैं वल्चर्स, सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों इनको बचाने की जरूरत है. स्केवेंजिंग ऑफ एनिमल कैरकेसेस ऑफ एनिमल्स, मींस क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, उनको वहां से हटाने के लिए, एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, स्केवेंजिंग के लिए वल्चर्स जरूरी है. डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए पारसी कम्युनिटी के अंदर बिल्कुल एक टावर ऑफ साइलेंस
टावर ऑफ साइलेंस नाम की जगह है, ये प्रक्रिया है पारसी कम्युनिटी के अंदर। ये क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडीज है, जैसे हिंदू धर्म के अंदर आप देखते हैं बर्निंग होती है, जला दिया जाता है जो डेड बॉडी होती है। मुस्लिम धर्म के अंदर क्या होता है, उन लोगों को धरती के अंदर दबाया जा रहा है। पारसी के अंदर क्या होता है, जो भी डेड बॉडीज होती है ना, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, उनको एक बहुत बड़े चबूतरे पे, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे गिद्ध, बहुत सारे वल्चर्स आते हैं, टावर ऑफ साइलेंस जिसको कहते हैं, और वो उन पे फीड करते हैं, उनको डेड बॉडीज को खाते हैं, डिस्पोज करते हैं। तो ये तरीका है पारसी कम्युनिटी का। तो उनकी रिलीजियस बातों को पूरा करने के लिए भी वल्चर्स जो है वो सिग्निफिकेंट है। वल्चर्स आर द प्राइमरी रिमूवर ऑफ कैरियंस इन इंडिया एंड अफ्रीका, मतलब प्राइमरी रिमूवर्स है ये, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। तो इनको सेव करने के लिए वल्चर सेफ्टी जोन्स, वल्चर सेफ्टी जोन्स भी बनाए गए हैं। पर्टिकुलर ऐसे एरिया बनाए गए हैं यूरोप और अफ्रीका के अंदर, एज वेल एज एशियन कॉन्टिनेंट्स के अंदर, जो वल्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। एम क्या है इन जोन्स का, टू establish टारगेटेड अवेयरनेस एक्टिविटी सराउंडिंग 150 किलोमीटर ऑफ वल्चर कॉलोनीज। जहाँ पे भी वल्चर्स ज़्यादा है, जहाँ पे भी वल्चर्स ज़्यादा है, उनके 150 किलोमीटर रेडियस तक अवेयरनेस बढ़ानी लोगों के बीच में, कि देखो डाइक्लोफेनेक का यूज़ मत करो, इस वेटरिनरी टॉक्सिक ड्रग को छोड़ दो, ये वल्चर्स को हार्म पहुँचा रहे हैं, और उन लोगों के लिए यानी वल्चर्स के लिए सेफ फूड प्रोवाइड करो। ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी 150 किलोमीटर रेडियस तक, जहाँ तक उम्मीद है कि वल्चर्स जा सकते हैं। वल्चर सेफ्टी जोन जो है स्प्रेड है कहाँ कहाँ पे, दुधवा जो यूपी में है, कटरानी घाट जो यूपी में है, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड के अंदर है, इंडो नेपाल बॉर्डर, नेपाल में ऑलरेडी वल्चर सेफ्टी जोन्स बन चुके हैं इंडियन बॉर्डर्स पे, ठीक है। तो मेनली जो ये एरिया थे वल्चर सेफ्टी जोन में घोषित हुए हैं, यूपी, दुधवा और कटरानी घाट फॉरेस्ट, उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट और नेपाल के अंदर, इंडिया नेपाल बॉर्डर में। वल्चर सेफ्टी जोन क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वल्चर्स को, सेफ फूड देंगे, क्योंकि अवेयरनेस फैलाई है उन्होंने डाइक्लोफेनेक का यूज मत कीजिए, तो सेफ फूड प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा काम क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा फूड देंगे उन्हें, कि आपका अगर पेट इन डेड और डिकिंग पार्टिकल्स से नहीं भर रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा फूड उन लोगों को दिया जाएगा, एडिशनल फूड दिया जाएगा, रिड्यूस करेंगे उनके डिजीज को स्प्रेड करने में, रिड्यूस करेंगे उनके थ्रेट्स को। साइंटिफिक स्टडी की जाएगी बायोलॉजी और इकोलॉजी में कि कैसे वल्चर्स को सेफ किया जा सकता है, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देता है, फंड को रेज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉर इको टूरिस्ट टू ऑब्जर्व दीज मैग्निफिशियंट बर्ड्स, मतलब इन बर्ड्स को ट्रैक करने में, इन बर्ड्स को स्टडी करने के लिए इको टूरिस्ट को के लिए अपॉर्चुनिटी है वल्चर सेफ्टी जोन। सेफ फूड मिलेगा, सेफ हैबिटेट मिलेगा वहाँ पे, इको टूरिस्ट आएंगे खुद की स्टडी के लिए, खुद का एंजॉय करने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी और साइंटिफिक सॉल्यूशंस देखे जाएंगे वल्चर्स को प्रमोट करने में, वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। कौन कौन से जोन्स इंडिया के अंदर हैं जो वल्चर्स को बचा रहे, देखो ये उत्तराखंड टू नेपाल एक जोन जो कॉर्बेट से लेके कटरिया घाट यानी तराई बेल्ट पे मिलता है, एक जोन ये है उत्तराखंड से नेपाल, मतलब ये नॉर्थ के पास हो गया, नॉर्थ टू ईस्ट जा रहा है। दूसरा जो है असम से अरुणाचल प्रदेश, दूसरी रेंज बनाई है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ गया, ये पूरा नॉर्थ का एरिया आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ गया असम से अरुणाचल प्रदेश, एक जोन ये बनाया है। फिर सेंट्रल इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर तीसरा जोन बनाया है व्हाइट बैक और लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स के लिए, ठीक है। ये तीन जोन्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया फैले हैं स्पेशली फॉर वल्चर्स, एक नेपाल और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, दूसरा असम और अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा छत्तीसगढ़ के अंदर। अच्छा, वल्चर्स के अलग रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, वल्चर रेस्टोरेंट, टेबल्स जो है इस रेस्टोरेंट की वो रिजर्व है किसके लिए, सिर्फ यूनिक और रेयर वल्चर के लिए। पंजाब और महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर ये वल्चर रेस्टोरेंट बनाए हैं। आपने सुना होगा एक गार्बेज के लिए भी रेस्टोरेंट बना है, गार्बेज के लिए रेस्टोरेंट बना है जहाँ पे गार्बेज को डंप किया जाएगा और पर केजी गार्बेज को के बेच के आप लोगों को एक टाइम का खाना मिलेगा जो भी गार्बेज को वहाँ डंप करेंगे। इसी तरीके से वल्चर रेस्टोरेंट एक नई टेक्निक आई है, पंजाब और महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट्स बनाए हैं जहाँ पे जो टेबल रिजर्व है वल्चर्स के लिए यानी वल्चर को खाना मिलेगा। एम क्या होता है, कंजर्व द फास्ट ड्विल्डिंग वल्चर पॉपुलेशन, वल्चर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उनको अनकंटामिनेटेड फूड शॉर्टेज जो होता है, उनको फूड की बहुत ज़्यादा कमी होती है वल्चर्स को जो अनकंटामिनेटेड है। डाइक्लोफेनेक वाला फूड तो बहुत मिल जाएगा लेकिन सेफ फूड नहीं मिल पाता है, तो अनकंटामिनेटेड फूड शॉर्टेज को पूरा करने के लिए वल्चर रेस्टोरेंट बनाए हैं। इन सीटू कंजर्वेशन है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिए साथ पास में एक विलेज है,
या पास में कोई भी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के यहाँ पे, कम्युनिटी के यहाँ पे कोई भी एनिमल जो है उसकी डेथ हो गई है, उस एनिमल की डेथ हो गई है, वो कम्युनिटी के लोग जो उस एनिमल का ओनर था, या कोई डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं भी है, कोई ऐसे ही घूमने वाला एनिमल है, उसकी डेथ हो गई है, वो उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाके कहेंगे कि हमारे यहाँ पे एनिमल की डेथ हो गई है, आप अपने वल्चर के लिए खाने की तरह इस एनिमल को यूज़ कर सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे, उस एनिमल को चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर डाइक्लोफेनिक है, अगर डाइक्लोफेनिक है तो उस एनिमल को नहीं लेके आएंगे। अगर उसकी डेड बॉडी में डाइक्लोफेनिक नहीं मिलता है तो जो ओनर था उस एनिमल का, जो ओनर था उस एनिमल का जिसके एनिमल की डेथ हुई थी, उसको पैसा दे दिया जाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट हो गया ओनर को, और उस एनिमल को अपने वल्चर रेस्टोरेंट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे वल्चर्स को खाना मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी एनिमल की डेथ हुई, मैं फिर से बता दूँ, किसी एनिमल की डेथ हुई, इस एनिमल का जो ओनर था, उस ओनर ने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर की कि हमारे यहाँ पे ये एनिमल की डेथ हो गई है, आप लेके जा सकते हो। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इस एनिमल को चेक करेंगे क्या इसमें डाइक्लोफेनिक है, अगर नहीं है तो इसको ले जाएंगे वल्चर्स रेस्टोरेंट में और इस ओनर को पैसा दिया जाएगा, तो मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा और साथ में वल्चर्स को सेफ फूड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वल्चर रेस्टोरेंट्स के बारे में हमने पूरा कंसेप्ट जाना है। बेनिफिट्स क्या है आप समझ ही चुके हैं, एक्सटिंक्शन बच जाएगा वल्चर्स का, कंजर्व हो जाएंगे वो, ठीक है, उनको सेफ फूड मिल जाएगा, अवेयरनेस फैलेगी वल्चर्स के लिए, डाइक्लोफेनिक को फेज आउट कर सकेंगे, ये सब चीज़ें हैं जो बेनिफिट्स देंगी वल्चर्स रेस्टोरेंट्स के, जो बेनिफिट्स मिलेगा वल्चर को कंजर्व करने। पंजाब के किस किस जगह पे रेस्टोरेंट है, कटलोर, चंदोला और चमर रोड। महाराष्ट्र के अंदर कहाँ कहाँ है ये, गढ़चिरौली, ठाणे, नागपुर, नासिक और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब और महाराष्ट्र के जहाँ पे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं वल्चर्स के लिए। ठीक है, तो देखिए कितना मतलब आगे बढ़ गया है पूरा नेशन जो है। इंडिया में ब्रीडिंग सेंटर कहाँ कहाँ है, हरियाणा में पिंजौर नियर पंचकुला, ठीक है, हरियाणा में पिंजौर जगह है वहाँ पर इसका ब्रीडिंग सेंटर है। असम के अंदर रानी जगह है वहाँ पर इसका ब्रीडिंग सेंटर है। वेस्ट बंगाल में बक्सा नाम की जगह है जहाँ पर इसका ब्रीडिंग सेंटर 2005 से है। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उन्होंने 4 ऐसी जगह बनाई हुई है जो ब्रीडिंग सेंटर की तरह काम करते हैं, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर, ये 4 ब्रीडिंग सेंटर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट साथ में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर 30 यंग वल्चर को रिलीज किया है और उनको सेफ जोन में डिमार्केट किया है। तो ये कुछ ब्रीडिंग सेंटर है हरियाणा में, असम में, वेस्ट बंगाल में, जूनागढ़ में, भोपाल में, हैदराबाद, भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ब्रीडिंग सेंटर की बात हमने की है इंडिया में। कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं कंजर्व करने के लिए वल्चर को, ये हम देख चुके हैं, डाइक्लोफेनिक को फेज आउट करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं, वल्चर सेफ जोन बना दिया गया है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, फिर से इन मेजर्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इसके बाद सेव एंड सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, सेव नाम का प्रोजेक्ट चला है वल्चर्स को सेव करने के लिए। ये कंसोर्शियम है, यानी ये एक ग्रुप है किनका, लाइक माइंडेड लोगों का, वो सब लोग जो वल्चर्स को बचाना चाहते हैं, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने बंदे हैं वो इस कंसोर्शियम का हिस्सा है। ये कोऑर्डिनेशन प्रमोट करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने में। 3 स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, वाइट बैक्ड वल्चर को, लॉन्ग बिल्ड वल्चर को और स्लेंडर बिल्ड वल्चर को। सेव नाम के प्रोजेक्ट में इन 3 तरह के वल्चर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। पार्टनर्स कौन कौन होंगे इसके अंदर, जो सेव प्रोजेक्ट है उसमें पार्टनर्स कौन कौन है, बर्ड कंजर्वेशन नेपाल का, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया की, BNHS, इस पे क्वेश्चन भी बना था प्री में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड्स फॉर प्रे UK का इंटरनेशनल सेंटर जो है वो इसका पार्टिसिपेंट्स है, पार्टनर है, नेशनल ट्रस्ट जो नेपाल का है वो पार्टनर है, और UK की रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। ये सब लोग पार्टनर बन के सेव नाम का प्रोजेक्ट चलाएंगे वल्चर्स को सेव करने में। एशिया का जो फर्स्ट जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम था वो पिंजौर में लॉन्च हुआ, पिंजौर इज इन हरियाणा, हरियाणा स्टेट के पिंजौर में पहला जिप्स वल्चर रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया। हिमालयन ग्रिफोन को अभी जो क्लोजली रिलेटेड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिस जो होने वाला था, इसको अभी नॉट एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर लाया गया है क्योंकि इसको सेफ हेवन के अंदर डाल दिया गया है, सेफ जोन के अंदर डाल दिया गया है अंडर सेव प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी एक वल्चर की ही प्रजाति है, वल्चर स्पीसीज है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने वाला था, अब वो एंडेंजर्ड कैटेगरी से भी बाहर ले जाया जा चुका है। तो ये हमने वल्चर्स के बारे में पढ़ा, एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा और टाइगर्स के बारे में पढ़ा।
अब कुछ प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं, जैसे वन ऑन राइनो के बारे में है, हंगुल के बारे में है, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रोसीड करेंगे, तो मुझे छोटा सा क्वेश्चन बताइए, 50-50 फोरम किसके लिए था? फोरम 50-50 किसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव चलाया है? जल्दी बताना, जल्दी बताओ, 50-50 फोरम किसको प्रोटेक्ट करने के लिए चलाया है? एलिफेंट्स, वेरी नाइस। अब है माइक किसके लिए है? माइक, माइक किसके लिए है? माइक इज ऑल्सो फॉर एलिफेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, जो जितने भी सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है वो 100% फंडेड बाय सेंटर सही है या नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने कहा कि कोई स्कीम सेंट्रली सेक्टर्ड है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर कोई स्कीम सेंट्रली सेक्टर्ड है, सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, तो उस सेंट्रली सेक्टर्ड के अंदर 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है, ये स्टेटमेंट यस या नो, सही है या गलत है? सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम दो बताई थी मैंने, स्पॉन्सर्ड और सेक्टर्ड। मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई सेक्टर्ड स्कीम है तो उसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, ये सही है या गलत है? नो, सेक्टर्ड में, सेक्टर्ड में याद रखें, सेक्टर्ड पूरा क्षेत्र ही सेंटर का है, 100% फंडिंग सेंटर से मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, राकेश सही बता रहे हैं। जबकि जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वहां पे 60-40 का रेशो रहता है जनरल स्टेट्स के लिए, 90-10 का रेशो रहता है स्पेशल कैटेगरी के लिए, याद रखे। और हमने जो प्रोजेक्ट पढ़ा था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में एलिफेंट से रिलेटेड, टाइगर से रिलेटेड और वल्चर से रिलेटेड पूरा डिस्कस कर लिया है, कल बहुत कम समय में ये खत्म हो जाएगा और फिर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बुक, चैप्टर मतलब पार्ट 3 की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, दिन में मिलते हैं इकोनॉमी सेशन में, थैंक यू सो मच।